हाटपिपलिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र राजवीर सिंह बघेल 14 को तो मनोज चौधरी 13 और 16 को दो बार भरेंगे नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल 14 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। बगैर किसी रैली के साधारण तरीके से नामांकन दाखिल करने जाने की बात बघेल ने कही है। भाजपा प्रत्याशी मनोज चौधरी 13 और 16 अक्टूबर को यानी दो बार नामांकन दाखिल करेंगे। 13 तारीख को केवल सांकेतिक रूप से दो लोग जाकर नामांकन जमा करेंगे, जबकि 16 अक्टूबर को नामांकन रैली के साथ नामांकन जमा करेंगे। शुभ मुहूर्त में नामांकन श्री चौधरी के स्थानीय कार्यालय से रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय जाकर दाखिल किया जाएगा, जबकि सोमेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भी नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना होंगे। हाटपिपलिया विधानसभा उप निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है। वैसे तो नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए 9 अक्टूबर से ही प्रशासन ने तैयारियां कर रखी थी, लेकिन पहले दिन एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ। अगले दिन शनिवार व तीसरे दिन रविवार होने से अवकाश की स्थिति में भी नामांकन दाखिल नहीं किए गए। आज सोमवार को संभावना है कि नाम निर्देशन पत्र जमा होंगे। ऐसे में आज भारी पुलिस फोर्स रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय के आसपास तैनात किए गए। एजी गेट से ही बैरिकेटिंग लगाए गए, जबकि कलेक्टोरेट परिसर के द्वार पर भी बैरिकेटिंग की गई। रिटर्निंग ऑफिसर प्रदीप कुमार सोनी ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर 2020 नियत की गई है। दिनांक 17 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र वापसी की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर को नियत की गई है। दिनांक 3 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी। कोतवाली TI उमराव सिंह ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र जमा करने की व्यवस्था के तहत जवानों को तैनात किया गया है। तो बताइए तहसील में आज ड्यूटी लगी, कितनी लगी, क्या है? हाँ, आज कल हुआ उपचुनाव विधानसभा का मतदान। आरओ केंद्र है, SDM के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। उसमें पहले ही से व्यवस्था लगी हुई है, जो कंट्रोल रूम से चार्ट निकला है उस चार्ट के मुताबिक व्यवस्था लगी है। यहाँ कोई भी व्यक्ति गाड़ी सब को प्रतिबंधित है। जो निर्वाचन में लगे हुए हैं या जो नामांकन फॉर्म लेने आएंगे, जमा करने आएंगे, वही सिर्फ